सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। सुशांत की मौत से पहले ही उसका विकिपीडिया अपडेट हो चुका था। इसके अलावा सुशांत ने लगभग 10:15 बजे खुद को गूगल पर सर्च किया था। यह जांच का विषय जरूर है कि क्या सुशांत ने खुद ही आत्महत्या से पहले अपना विकिपीडिया अपडेट किया, यानी सुशांत ने अपनी मौत से पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। यही नहीं, सुशांत ने यह जानकारी देने के बाद 10:15 पर खुद को गूगल पर सर्च किया था और कुछ आर्टिकल भी पढ़े थे। इस तरह से सुशांत 10:15 तक जिंदा था। सुशांत का विकिपीडिया उसकी मौत 14 जून की सुबह 8:58 बता रहा है, जबकि इसके पहले उसका विकिपीडिया सुबह 8:55 पर अपडेट किया गया था। इसके बाद 8:57 पर फिर अपडेट किया गया और सुशांत की मौत की तारीख 24 जून 2020 लिखी गई। इसके तुरंत बाद 8:58 पर मौत की तारीख 14 जून 2020 लिखी गई, लेकिन मौत कैसे हुई यह दर्ज नहीं किया गया था। यह अपडेट मोबाइल के माध्यम से हुआ था। यहाँ पर तारीख लिखने में गलती होने की संभावना है, क्योंकि एक मिनट के भीतर ही इसे सुधार लिया गया। इन तीनों समय पर हुए अपडेट मोबाइल से हुए थे और एक ही आईपी एड्रेस से हुए थे। 8:59 पर एक बार फिर विकिपीडिया अपडेट हुआ, जिसमें सुशांत कमिटेड सुसाइड टुडे लिखा हुआ था। यह भी मोबाइल से अपडेट हुआ था और किसी दूसरे आईपी एड्रेस से किया गया था। ये दोनों आईपी एड्रेस से इसके बाद कोई अपडेट नहीं हुए, यानी एक मिनट के भीतर ही मौत कैसे हुई यह लिखा गया। इसके बाद से 10:15 तक उसकी विकिपीडिया में कई अपडेट हुए। इसकी संख्या लगभग 150 के आसपास है। यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर सुशांत की मौत का समय क्या था। 10:15 उसने गूगल पर खुद को सर्च किया था, इसका मतलब सुशांत इस वक्त तक जिंदा था और उसका कमरा 11:30 बजे के आसपास खटखटाया गया था और इसके बाद ही पुलिस को सूचना दी गई थी। यदि सुशांत ने स्वयं अपनी विकिपीडिया को अपडेट किया है तो हो सकता है उसे बचाया जा सकता था, क्योंकि उसने गूगल पर स्वयं को 10:15 के लगभग सर्च किया था, यानी सुशांत ने खुद को गूगल पर सर्च किया था। इस बीच यदि इसकी जानकारी किसी करीबी को होती तो हो सकता है उसे बचाया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कई लोगों ने सुशांत के आत्महत्या की खबर उसकी विकिपीडिया में देखी है, उसके कई सेगमेंट को अपडेट भी किया है। यदि सुशांत ने इसे अपडेट नहीं किया है तो फिर किसने अपडेट किया है, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि उसने मौत से पहले एक माह के भीतर 50 के लगभग मोबाइल सिम को बदला था। बेवजह कोई इतना नंबर एक माह के भीतर नहीं बदलता। यह स्थिति तब आती है जब किसी को लगातार धमकियां मिल रही हों। इस मामले में लोक गायक सुनील छैला बिहारी के अनुसार सुशांत ने लगभग 50 सिम कार्ड सिर्फ एक महीने के भीतर ही बदले थे। बिहारी ने धमकी गैंग के लिए सलमान खान का नाम लिया है। शेखर सुमन ने सुशांत के गले में बने निशान को लेकर सवाल उठाया है और इस मामले में CBI जांच की भी मांग की है। हो सकता है मुंबई पुलिस अब इस मामले में सभी से पूछताछ करे और विकिपीडिया से भी जानकारी जुटा सकती है। सुशांत की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। रोज रोज हो रहे खुलासे उसकी आत्महत्या पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। आत्महत्या नहीं मानने का कारण सुसाइडल नोट का न मिलना को माना जा रहा है, लेकिन इस मामले में हो रहे खुलासे कहीं न कहीं पर हत्या या आत्महत्या के कारण की ओर संकेत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।